तैयार करते हैं, कुछ सामान ऐसा है जो हम लोग हम निकालते हैं सांचे पर, जैसे मोल्ड उस पर निकालते हैं, कुछ सामान ऐसा है जो हाथ से ही उसको बनाते हैं, जैसे कोई लेडी, कोई बच्चा, कोई चिड़िया, ऐसा कहते हैं कोई मोल्ड में ही है, ऐसा हम सब सामान हाथ से ही निकालते हैं। ऊपर जब सिर सूख जाता है तो मधुबनी पेंटिंग हम करते हैं। मधुबनी पेंटिंग में कलर हम यूज करते हैं, कुछ कलर है नेचुरल कलर, कुछ है फैब्रिक, क्योंकि ये मिट्टी का सामान है, मिट्टी पर पूरा जब हम नेचुरल यूज करेंगे तो भर के नहीं आएगा, मिट्टी मिट्टी लगेगा, इसलिए कुछ हम फैब्रिक यूज करते हैं ना कि उसमें लाइट रहता है। नेचुरल कलर हम यूज करते हैं जो ब्लैक कलर, ब्लैक कलर जो गाँव भर में दिया जलता है ना मिट्टी तेल उसका जो निकलता है उससे हम बनाते हैं ब्लैक कलर। कुछ है जैसे व्हाइट कलर है तो अरवा चावल से पीस करके निकालते हैं, जैसे येलो है तो हल्दी से निकालते हैं, ये सब हम कुछ निकालते हैं, कुछ कलर जो है सब हम फैब्रिक के नीचे। नहीं, कुछ सामान मोल्ड से बनाया है, कुछ हम बनाए हैं हाथ से, दोनों हम बताए हैं मोल्ड और दोनों, क्योंकि टाइम 5 दिन का रहता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जितना लगेगा हमको पास मेरे पास आएगा टाइम उतना हम अच्छा से अच्छा सिखाएंगे, लेकिन टाइम तो हमको मिलता है 5 दिन का, बहुत कम, बहुत कम में तो जितना हम कोशिश किए जितना बच्चा सीख सके अच्छा से अच्छा, मेरा कोशिश यही रहता है जितना अच्छा से अच्छा बच्चा तब ना उसको कुछ हौसला बढ़ेगा, तब जाएगा अपने अपने घर को सोचेगा, बोलेगा कि हम यहाँ गए थे, यहाँ सीखे, ये सामान बनाए, जैसे कि तो जो हमको 5 दिन में कोशिश किया जितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा बच्चे लोग सीख ले। वो सूख गया फिर बाहर से कोट करके उसको सेप में लाए, सूखने के बाद में 13 महीना बन गया, और उसको सूखने के बाद हम उसको लेयर चरा चरा कर सेप में लाए, उसके बाद हम मिट्टी से केवल मुल्तानी मिट्टी से कोटिंग किए, कोटिंग करने के बाद वो सुखा लिए, उसके बाद हम कलर से यूज किए। थैंक यू।